नमस्कार बच्चों, कैसे आप सभी। स्वागत है आप सभी का। तो फाइनली वो दिन आ चुका है जिस दिन आपकी परीक्षा होने वाली है, यानी 26 और 27 जून को वीडियो एग्जाम की परीक्षाएं होने वाली है। सबसे पहले तो आप में से जिन भी बच्चों की परीक्षा 26 को फर्स्ट शिफ्ट में है, सभी को बेस्ट ऑफ लक। एकदम बढ़िया पेपर करके आएगा और पहला दिन पढ़ रहा है तो डरिएगा मत कि यार पेपर कैसा आएगा। 3 साल 2 साल बाद परीक्षा हो रही है तो क्या हो जाएगा क्या नहीं होगा, सब कुछ छोड़ के सिर्फ ये फोकस करिए कि आप अच्छा पेपर करके आएंगे। जितना आपने पढ़ा है वही आपके पास पूछा जाने वाला है और आपने जो इतनी मेहनत करी है पिछले 1.5 साल 2 सालों से लगातार, अब उस मेहनत का फल आपको देखने को मिलने वाला है। तो इस मौके को हाथ से नहीं जाने देना और किसी भी डर की वजह से अपने सिलेक्शन को नहीं रोकना। दूसरी बात यह भी है कि सेंटर पे समय से जाइएगा, 2 घंटे का मार्जिन जरूर लेकर चलिएगा ताकि अगर कोई भी दिक्कत हो जाती है रास्ते में तो आपके लिए समय का कोई दिक्कत ना फंसे। अलग ये चीज आपको ये भी ध्यान रखनी है कि ओएमआर आपको मिल रहा होगा इस बार, यानी कि ऑफलाइन परीक्षा होगी, तो काला पेन ऐसा लेके जाएगा जो बॉल पॉइंट पेन आता है। आप दुकान पे जाके बोलेंगे तो ओएमआर वाला पेन अलग से आता ही आता है, वो 10 रुपया 15 रुपया 20 रुपये का मिलता है, आप वो ले लीजिएगा और ब्लैक कलर का ही यूज करिएगा और ओएमआर को सही से भरिएगा। पूरे 150 क्वेश्चन का एक साथ ओएमआर भर पाना मुश्किल है और अगर आप भरेंगे तो आपकी गलतियां भी होना बिल्कुल तय है। अगर साथ ही साथ हम अलग अलग सब्जेक्ट को भी देख रहे होंगे तो 50-50 क्वेश्चंस का भी ओएमआर भर पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अगर किसी भी एक क्वेश्चंस का ओएमआर में हमने गलती करो लाइन से हम भरते चले आ रहे हैं तो भी गलतियां हो सकती हैं। तो आप ये ध्यान दीजिएगा कि 1 पेज या 2 पेज आपने जैसे पढ़ लिया, जो जो क्वेश्चन आपको पूरी तरीके से कन्फर्म है उसका ओएमआर जरूर भरते चलिए ताकि दिक्कत ना फंसे और ओएमआर के लिए आपको पर्याप्त समय भी मिल जाएगा और आप रिवीजन भी कर लेंगे। जिसमें भी आपको डाउट हो रहा है उसका ओएमआर पहले मत भरिए, वो बाद में बोला भर लीजिएगा और पूरा करेक्ट तरीके से ओएमआर को भरिएगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ हल्का सा बिंदी लगा दिए, सिर्फ चारों साइड भर दिया, ऐसा कुछ नहीं, पूरा प्रॉपर किनारे से गोला भरते आइएगा और बढ़िया से पूरा ओएमआर भरिएगा। और इतना भी ना भर दीजिएगा कि अपने ही हाथ से आपने पूरा उसको बराबर कर दिया, तो बढ़िया से ओएमआर भरिएगा, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ पेपर देके जाइएगा और अच्छे समय पर पहुंच जाएंगे तो आपका माइंड भी पूरा रिफ्रेश हो जाएगा। साथ ही साथ 26 जून को पहले शिफ्ट का पेपर खत्म हो रहा, तो दूसरे शिफ्ट वाले जो बच्चे 27 को पहले 27 को दूसरे वाले हैं, उन सभी के लिए सबसे जरूरी होगा एनालिसिस और वो हम लेकर आ रहे होंगे। जब 12 बजे आपकी परीक्षा खत्म होगी, 10 से 12 पेपर होगा, 12:30 बजे हम एनालिसिस लेकर आ रहे होंगे। आपको बड़ा फायदा मिलेगा एनालिसिस में और आपकी हर एक जो चीजें होंगी, दिक्कतें होंगी, आपको समझ पाएंगे कि कहां से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, पेपर का लेवल क्या आ रहा होगा, वो सब कुछ आपको जानने को मिलेगा 26 जून दोपहर 12:30 बजे एनालिसिस में। आप सभी बच्चे जरूर से जरूर। नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपका 26 और 27 तारीख यानी कल और परसों आपका एग्जाम होने जा रहा है वीडियो एग्जाम, और एक अरसे के बाद आपकी जो एक तरह से कह सकते हैं कि जो चाहत थी वो पूरी होने जा रही है कि पेपर हो, 4-5 साल हो गए लगभग, पूरा पंचवर्षीय योजना बन चुका है। तो अब ये समय है कि अपनी पूरी एनर्जी को आप लगा दीजिए और पैनिक बिल्कुल मत होइएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को हमने देखा कि पैनिक है कि सर ये नहीं तैयार है, वो नहीं तैयार है, ऐसा नहीं हुआ वैसा नहीं हुआ, ये सब सोचने का कोई फायदा है अभी लास्ट टाइम पे, कोई फायदा नहीं है। ये सब आप जितना सोचेंगे पेपर उतना ही खराब होगा, क्योंकि जो पढ़ना था जो करना था वो आप कर चुके हैं, अब आप पेपर देने जा रहे हैं। तो अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाइए और सिर्फ एक बात सोचिए कि नो वन इज बेटर देन मी, आई एम द बेस्ट, ठीक है। इससे आएगा क्या, फुल कॉन्फिडेंस, ठीक है। तब उतरेंगे आप मैदाने जंग में और जानते हैं आप मैदाने जंग में, मैदान जो जंग की है वो जंग ऐसे नहीं जीती जाती कि आपके पास कितने बड़े बड़े धारदार हथियार हैं, वो तो ठीक है हथियारों की जरूरत तो है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा जरूरत है आपके अंदर कितना कॉन्फिडेंस है कि आप इस जंग को जीत पाएंगे कि नहीं, ठीक है। तो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ मैदान में उतरिएगा और एग्जाम हॉल में जब भी बैठिएगा ना तो आप बिल्कुल इधर उधर की बातें मत सोचिएगा, सिर्फ पेपर दीजिए एकदम आराम से रिलैक्स होकर। और अगर हम बात करते हैं जीके जीएस की, 50 क्वेश्चन आए, पता चला आपने जीके जीएस ओपन किया, पहले क्वेश्चन ऐसा तगड़ा खींच के मारा, आपको लगा अरे बाप रे ये तो बाउंसर गया भाई, ठीक है। फिर दूसरा वो बाउंसर गया, तीसरा वो बाउंसर गया, अब आप सोच रहे हैं कोई अंपायर होता तो कम से कम इसको वाइड बॉल या नो बॉल दे देता, भैया कितना बाउंसर मारोगे, है ना, ये तो हो ही नहीं रहा। तो भाई देखो सिंपल है, आराम से उसको हैंडल करो, ठीक है। 2 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन कभी भी होता है कि स्टार्टिंग में बहुत टफ क्वेश्चन दे देता है, लेकिन आगे आप जाएंगे तो इजी क्वेश्चन मिलेंगे। अब आप शुरू में आपने देखा 3-4 क्वेश्चन टफ है, आप डर गए, अब आगे आपका मोटिवेशन डाउन हो गया, अब आगे जो क्वेश्चन इजी है वो भी आप नहीं कर पा रहे हो, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। और हाँ, एलिमिनेशन मेथड भी कोई चीज होती है, उसको भी थोड़ा सा अप्लाई करने की कोशिश करिएगा। मतलब ये है कि अगर 4 ऑप्शन दिए हैं तो 4 में से अगर आप 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर पाइएगा तो जरूर आंसर लगाइएगा, जरूर ओपनिंग करिएगा उसकी,
ठीक है, और पूरी जबरदस्त तरीके से पेपर करके आइएगा। 12:30 बजे से हम लोग एनालिसिस के लिए मैदान में उतरेंगे, पेपर करके आइए। तो जो भी पेपर करके निकलेंगे तो भैया आपको 12:30 बजे एनालिसिस देख के मिला लेंगे, कहां कितने सही हुए कितने गलत हुए, और आगे वालों के लिए हो जाएगा कि जरा देखे कैसा पेपर है, ठीक है ना। तो मिलते हैं जबरदस्त तरीके से, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर के आइए। हेलो गाइस, सभी को नमस्कार, क्या हाल चाल है आप सभी के। तो कल यानी 26 तारीख को आपका पेपर है पहली शिफ्ट का। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, हिंदी में क्वेश्चन के साथ साथ मतलब आंसर के साथ साथ आपको गोला करते हुए चलना है। ऐसा मत करिएगा कि आंसर पहले टिक कर दीजिए उसके बाद गोला करिए, फिर उसमें समय चला जाएगा। और हाँ, हिंदी में आप गद्यांश सबसे लास्ट में करेंगे, सबसे पहले आप व्याकरण और तमाम जो क्वेश्चन आपके आते हैं वो सारे क्वेश्चन कर लेंगे। और ध्यान रहे, पहली शिफ्ट का एनालिसिस 26 को मतलब 12:30 बजे सबसे पहला हिंदी वाला एनालिसिस होने जा रहा है। तो हिंदी का एनालिसिस लेने के लिए यूपी संगम भाई एमडी क्लासेस पे 12:30 बजे तैयार रहेगा। सभी को शुभकामनाएं वीडियो के एग्जाम के लिए। जैसा आपको पता है कि कल आपका पहला शिफ्ट का पेपर 26 तारीख को होगा, तो आप लोगों को रीजनिंग में जो डिफिकल्ट क्वेश्चन हो उसको बाद में अटेम्प्ट करना है और कोशिश करनी है कि मैक्सिमम अटेम्प्ट करना है, ठीक है। उसके लिए आपका एनालिसिस कल हमारे यूट्यूब चैनल पे भी किया जाएगा, ठीक है। तो कल दोपहर में 12:30 बजे यूट्यूब चैनल पर मिलेगा एनालिसिस।